शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून 2009 के तहत मैंने ग्राम सभा करमहिया से स्कूली समस्या को लेके एक वीडियो बनाया था, जिसमें पात्र मनोज जैसे 50 से 60 बच्चों को अपने गांव से तीन से चार किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता था। इस गांव में 2 सालों से प्राथमिक विद्यालय खोला तो गया, परंतु अभी तक चालू नहीं हो सका, जिसके कारण इस गांव के पात्र मनोज कुमार सहित कुल 65 बच्चे अपने गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ने जाते हैं। पढ़े जाला? कौन कक्षा में पढ़ा ला? कितना तोहरे गांव से स्कूल कितना दूर बा? 2 किलोमीटर। ये बताओ, कबो तू स्कूल देर से पहुंच रहा है तो के कबो रास्ता में तोरे से कोनो घटना घटल बा? हाँ। का कौन घटना घटल बा? चोट लगल बा। गिर गई लाला? चोट लग गई लाल? हाँ। तोरे गांव में स्कूल बा? हाँ। स्कूल चला ला? नहीं। कितना साल से स्कूल ना चला था? 2। आप करमहिया ग्राम सभा में बच्चों के साथ काम कर रही हैं? जी हाँ, मैं करमहिया मेरा ही गांव है और उसमें मेरा ग्रुप है बहु बहनी बीच बोल के। करमहिया गांव में एक विद्यालय बना हुआ है, कितने सालों से भी नहीं चल रहा है? हाँ, वहाँ पे विद्यालय बना है, वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है इसी तरह है। और इसमें जो है गाँव में कुल 5 साल से लेकर 11 साल के जो बच्चे हैं वो घूमते रहते हैं, उसमें लगभग 40 बच्चे जो है नहीं जाते। तेरे गांव का समस्या रहा? नहीं रहा उसको। तो का बदलाव आए? चला था स्कूल? हाँ। लेके पढ़ा थे? हाँ। ये बताओ कैसे बदलाव आए? मीटिंग का मीटिंग भइल गांव में? हाँ। अब लेके अब तो पाँच यहाँ पढ़ा था? हाँ। कौन कक्षा में पढ़ा ला? एक। अब पहले कहाँ पढ़ा था? हाला बरगदई। बरगदई से कितना किलोमीटर बा? 3। आपका नाम? दिवलता जायसवाल है। हरदी डाली शिक्षा मित्र काम करते थे, शिक्षा मित्र में काम करते थे, वहाँ से हमारा नियुक्ति यहाँ प्राथमिक विद्यालय करमहिया में हुआ है। हमारी नियुक्ति 1 अगस्त 2014 को हुआ है। वीडियो संस्था वालों को हम धन्यवाद देते हैं कि वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। सर, जो अभी आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा वीडियो? वीडियो आपने जो बनाया है विद्यालयों का, ये बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छे परिणाम आ सकते हैं और अध्यापकों को प्रोत्साहित भी किया जा सकता है इससे, और इसमें सुधारात्मक कार्य भी किया जा सकता है, सुधार इससे आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, BRC का क्या BRC के जितने भी BRC पर कोऑर्डिनेटर या असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त हैं, इनका वहाँ विद्यालयों में केवल एकेडमिक सपोर्ट प्रदान करना और विद्यालयों में शैक्षिक अनुसमर्थन प्राप्त करना कि विद्यालयों की क्वालिटी बढ़े, 100% नामांकन सुनिश्चित हो, बच्चों का ठहराव भी हो, इसके लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं भी चलाई, जैसे निःशुल्क पाठ पुस्तक है, निःशुल्क गणवेश उनको दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति दी जा रही है, ये सारी व्यवस्थाएँ प्रदान की जाती है। मुझे खुशी हुई कि मेरे इस वीडियो से प्राथमिक विद्यालय करमहिया का विद्यालय 1 अगस्त 2014 से संचालित हुआ। अब ये विद्यालय नहीं बंद पड़ा है, अब ये विद्यालय चल रहा है और यहाँ पे मनोज सहित 50 से 60 बच्चे नामांकित था, अब ये खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। मैं संजय कुमार जायसवाल, महाराज उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहद के।